नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। 25 मई को समाज सेवी और जेआरओ ग्रुप के अध्यक्ष दीपक ठाकुर की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिसके विरोध में जेआरओ ग्रुप ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की अनुपस्थिति में एडीएसपी शिवेश सिंह बघेल को ज्ञापन दिया गया। जेआरओ ग्रुप के सदस्यों ने ज्ञापन देते हुए अतिशीघ्र नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और रासुका लगाने की मांग की है। जेआरओ ग्रुप ने ज्ञापन में कहा, पूरे महाकौशल में समाज सेवा का कार्य करने वाले ठाकुर दीपक सिंह को रेत व्यापारी का नाम देकर घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि शहर की जनता बखूबी उनके और उनके सामाजिक कार्यों को जानती है, इसलिए उनकी छवि को धूमिल करके रसूखदार मुख्य आरोपियों को बचा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों के पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है। इस मामले पर एडिशनल एसपी ने मीडिया से कहा कि शैपुरा गोलीकांड में आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 के विरुद्ध मामला दर्ज हो चुका था, जिसमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और दो जल्द ही पकड़े जाएंगे। एएसपी ने कहा, बेखौफ घूमने वाले आरोपियों की भी जाँच की जा रही है। जेआरओ ग्रुप जो वर्षों से समाज सेवा के कार्य करता आ रहा है, इन्हें 25 तारीख को जो रेत नाका है वहाँ पे ग्रामवासियों की कुछ शिकायत थी, जिसके संदर्भ में हमारे अध्यक्ष जी दीपक ठाकुर जी बात करने गए। वहाँ पर पहुँचते ही जो वहाँ पे रेत नाके में जो लोग थे, 20 से 25 बंदूकधारी थे, वो सीधे गाली गलौज करते हुए और हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर सीधा हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोट आई है। और हम उसी की मांग को लेकर के आज यहाँ पे आए हुए थे। तो हम मांग करते हैं कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, और अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो उनके संबंध में कुर्की की कार्रवाई की जाए। कौन कौन आरोपी हैं इसमें? किसी का नेताओं का समर्थन है क्या हमको? जी नहीं, इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है। और इसमें जो चार नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ हमने थाने में भी शिकायत की हुई है, नामजद आरोपी बनाए गए हैं उस पर, और उसी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपका थोड़ा दूर से ही रखना, दूरी बना कर। सर ये क्या था मामला? ये थाना शेखपुरा में 307 का प्रकरण मंडीवत हुआ है, उसके संबंध में इनने ज्ञापन दिया है। इसमें से दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य आरोपियों की भी हम शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। ये ज्ञापन में इनने शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है, तो इसमें विवेचना में आए तत्खंड का कार्रवाई करके न्यायालय में। सर कितने आरोपी हैं इसमें बनाए गए जो हैं? अभी इनने FIR में 4 आरोपी थे। सर दो जो आरोपी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुले घूम रहे हैं और आदतन अपराधी हैं, रिकॉर्ड वाले मामले हैं। अगर वो उनके यहाँ पे आने के कोई तथ्य मिलते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, और जो भी पता चलेगा तो उनसे वारंट भी जारी किया जाएगा।